हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, ये 24 तारीख को हमारा ट्विटर अभियान था और इस वजह से हमारी काफ़ी दिन से क्लासेस नहीं चली थी। आपको पता है, आईपीसी हमने कंप्लीट करा दी और इसके जो वाद है, वाद मतलब कि केस स्टडी, जो आईपीसी में केस स्टडी होती है, वो भी मैंने कंप्लीट करा दी। और आप यकीन नहीं मानोगे, 1880 के करीब ये धारा है और 85 के करीब ये है, और ये 1997 से 2020 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और इससे अलग आज तक भी 23 सालों में कुछ नहीं पूछा गया। रिपीटेड वही आते हैं और हमेशा यही है, सिलेक्टिव। अगर आप सिलेक्टिव रहोगे, देखिए ऐसा क्या है, यूपीएसआई हर कोई क्लियर नहीं कर पाता। आपको क्या है कि बहुत बड़ा सिलेबस है और आपको इसमें होना पड़ेगा सिलेक्टिव, ठीक है, ये आपको होना पड़ेगा इसमें सिलेक्टिव। स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी अगर आप करोगे ना, तो तभी जाकर आप कुछ कर पाओगे, वरना इसमें कुछ होने वाला है नहीं। इसी वजह से हम 1997 से ये कर रहे हैं। और आपने जितने भी, देखिए, टॉप रिसर्च अगर यूपीएसआई में देखी जाए, अगर अच्छी तरह से ली जाए, तो सभी की सभी धाराएं पढ़ना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर कोई भी चैनल हो, जैसे कि मान के चलो हाइपोथेटिकली एक एग्जामपुर है, एग्जामपुर चैनल है, उन पर एक सब इंस्पेक्टर आए थे, एसओ साहब शायद वे सब इंस्पेक्टर थे, उनका इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने ये कहा था कि जैसे आईपीसी होगी, सीआरपीसी होगी, SC ST एक्ट हो गए, और जो मोटर व्हीकल अधिनियम हो गए, लगभग लगभग ये 28 से 29 और 30 अधिनियम है। अगर इनकी हम सभी धारा पढ़ेंगे, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सारी धारा पढ़ो, स्मार्ट स्टडी करो। और ऐसे ही हमने स्मार्ट करी थी, और झारखंड एसआई का पेपर देकर आए थे कुछ बच्चे, और मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया था। बच्चों ने मेल करके बहुत बहुत धन्यवाद दिया था कि सर आईपीसी से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। 80 से 80 धारा याद करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और 50 से 60 वाद पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, आईपीसी इसमें खत्म हो गई थी। अब क्या है, अब हम दोबारा से क्लास रिज्यूम करें, क्योंकि हमने पूरा जो जोर था वो ट्विटर अभियान में लगा रखा था। अब हमारा ट्विटर अभियान सक्सेस हो गया और डेट भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब क्या है, जितने भी हम महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, ठीक है ना, महिलाओं से संबंधित अपराध हैं वो पढ़ेंगे। एक मिनट, अब हमारे टॉपिक क्या क्या रह गए हैं, महिलाओं से संबंधित अपराध ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। अरे यार, एक मिनट बस, अरे यार क्या हो गया यार, ये एक मिनट एक मिनट, ओके ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। उसके बाद में क्या है, बालकों के विरुद्ध अपराध, ठीक है, बालकों के विरुद्ध अपराध, SC ST एक्ट, मोटर व्हीकल अधिनियम, ये सब हम 23 साल के प्रीवियस ईयर में आके पढ़ेंगे। और तुम कसम, तुम देखना, एक तक दो दो क्लास में और बहुत ही कम धाराओं में बिल्कुल आपका पूरा हो जाएगा। मैं आपको पूरी किताब छाप के नहीं देने वाला, अगर आपको किताब छाप के देना होता तो आपको फिर सीधा किताब ही नहीं बता देता कि भाई वो किताब पढ़ लो जाके, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, जैसे मानवाधिकार हो गया आपका, मानवाधिकार, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ, आपको समझ लेना चाहिए। जैसे जनहित याचिका हो गया, जनहित याचिका, उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट हो गया, यूपी पुलिस एक्ट, मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले इससे शुरुआत करूँ, यूपी पुलिस एक्ट, और सारे जितने भी एक्ट हैं आदि, ये सब अब मैं कंप्लीट कराऊंगा पूरी। उससे सीआरपीसी भी है आपकी, सीआरपीसी, और आप देखना बहुत ही कम धाराओं में ये कंप्लीट होगा, क्योंकि ये सब शॉर्ट सिलेक्शन है यार। 1997 से 2020 तक के जितने भी प्रश्न हैं, इनसे अलग कभी कुछ पूछा ही नहीं गया। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि स्मार्ट करिए, स्मार्ट तरीके से पढ़िए, ठीक है। इसीलिए मैं इसलिए इतना थोड़ा वो हूँ कि इसलिए हमने क्लासेस लगाई थी, और जिन लोगों ने क्लास करी थी वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि सर वाह मजा आ गया, और अच्छी तरह बिल्कुल उनके समझ में भी आया। और इसीलिए मैं पूरा आईपीसी और सीआरपीसी और एक्स करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों की दिक्कत है, बहुत से बच्चों ने बहुत से उसके कोर्स लिया, और फिर बाद में क्या हुआ कि साहब इतना मटेरियल पढ़ा दिया गया कि साहब अब पढ़ा ही नहीं जा रहा। तो थोड़ा सा हमारा भी कर्तव्य बनता है, और बहुत से लोगों को शिकायत रहती है कि सर आप ये लिकाड़ते हो, वो लिकाड़ते हो, आईपीसी करा के आप बिल्कुल शांत हो गए, ये हो गए, बिल्कुल भी नहीं हुए भाई। आप प्लेलिस्ट पढ़िए, अगर किसी को डाउट हो ना कि ऐसी कैसी एक पढ़ाते हो, जगह प्लेलिस्ट में देख लो कैसी आईपीसी पढ़ी है, आपको भी चल जाएगा पता। तो बिल्कुल भी निश्चिंत, बिल्कुल भी चिंता ना करें, कल से आपकी पूरी क्लास रिज्यूम हो रही है, ठीक है, क्लास बिल्कुल रिज्यूम हो रही है। दूसरी बात, पीडीएफ की लोगों को बड़ी शिकायत होती है कि भाई सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। देखो पीडीएफ अवेलेबल नहीं है भाई, अवेलेबल नहीं है बिल्कुल भी, सही बता रहा हूँ, बिल्कुल अवेलेबल नहीं, क्योंकि यार हमारे पास में इतने इक्विपमेंट नहीं है यार। अगर हमारे पास में इतनी बड़ी मशीनरी होती, इतने बड़े सेटअप होते ना, तो हम डिजिटल बोर्ड के थ्रू पढ़ाते, वैसे पढ़ाते पर इसमें आपको बिल्कुल भी ऐसा अनुभव नहीं होने देंगे कि डिजिटल बोर्ड से कम है। ये जिसमें मैं लिख रहा हूँ डिजिटल बोर्ड ही है एक तरह से, पर इसमें पीडीएफ का सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप नोट्स बनाएं, क्योंकि आप नोट्स, अगर आप नोट्स नहीं बनाएं
और जब आएगा पेपर नजदीक और जब 1 से 2 दिन रह जाते हैं तो वे नोट्स ही होते हैं जिससे आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। उस टाइम पे आप वीडियो नहीं देख सकते। तो ये क्लास की अनाउंसमेंट है, डेली आपको मिलेगी, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। और मैं फिर बता रहा हूँ, हम इसलिए रुके थे कि हम ट्विटर कैंपेन में पूरी जी जान हमने झोंक रखी थी, ठीक है। और PDF भाई नहीं मिल पाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। दूसरी बात, इस वीडियो को आप शेयर कर देना, ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ जाएं, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और चैनलों को कर देना सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हो। तो मैं बस आपसे यही करूँगा कि भाई मेहनत में लग जाओ, मेहनत हमने करी कल अच्छे से करी और अब आपको रिजल्ट मिलने वाला है। सुबह की वीडियो अगर ना देखी हो देख लेना, किसी को विश्वास हो उस पर ठीक है, ना हो कोई बात नहीं। आपके पेपर तो आपका जनवरी एंड में या फरवरी के फर्स्ट हफ्ते में होना ही होना पेपर को, और मेन आपका पेपर फॉर्म आने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। 15 नवंबर से पहले पहले फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बस इतना ही कह रहा हूँ, मेहनत पर लग जाओ, अब जो था हुआ हुआ, तैयारी पर लग जाओ दोबारा से। और इसके बाद में हम पॉलिटी के भी क्वेश्चन लेंगे और हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन लेंगे। तो दिक्कत मतलब सब करेंगे धीरे धीरे। तो स्टार्ट कर दिया है कल से, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बस सपोर्ट करना आप। जय हिंद।